हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं मैप ऑफ इंडिया क्लास 10 ICSE बोर्ड्स के लिए। ये मैप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता ही है 10 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो 10 मार्क्स यहाँ पे हम पूरी तरह से करने वाले हैं। तो ये आपका ईयर 2023 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, ये मैंने आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे लिख भी रखा है, ताकि हम यहाँ पे एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं माउंटेन पीक्स एंड प्लेट्यू का। ये आपका सिलेबस है, आपका ये मैप ऑफ इंडिया है, इसमें आपको दिखाना है ये सारी चीज़ें। तो वन बाई वन वी स्टार्ट। पहला है कि यहाँ पे माउंटेन को जो भी हमने ग्रीन कलर दिया है पीक्स और माउंटेन के लिए, जो प्लेट्यूज है उसके लिए हमने यहाँ पे येलो कलर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आपके कोर्स में यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय को हमने यहाँ पे एक हिमालय, ये पूरी रेंज होती है जो टॉप में इंडिया के ऊपर नॉर्थ की तरफ मिलेगी आपको ये, तो ये आपकी हिमालय रेंज हो गई है। सेकंड आपको दिखाना है काराकोरम। काराकोरम आपका बिल्कुल टॉप पार्ट में मिलेगा। तो ये येलो मार्कर की जो लाइन चल रही है, ये आपका क्या चीज़ हो गया, काराकोरम। फिर आता है आरावली। आरावली कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये हिस्सा कहलाता है थार। तो थार के जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरावली। विंध्यास। विंध्यास कहाँ मिलेगा, विंध्यास आरावली के थोड़ा नीचे दो रिवर के साथ जुड़ा हुआ। सतपुरा। सतपुरा जो है विंध्यास के नीचे एक रिवर पड़ रही है, ये लाइन जो है वो रिवर की है, उसके नीचे क्या आ जाता है, ये सतपुरा। वेस्टर्न घाट। देखिए मैप के अकॉर्डिंग आप जानते हो ऊपर का पार्ट आपका कहलाता है नॉर्थ, नीचे का साउथ, और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न घाट है वो आपका वेस्ट में मिलेंगे, और वेस्ट का जो वेस्टर्न घाट है, तो ये यहाँ पे देखिए ये छोटा सा पॉइंट मुंबई है, तो यहाँ से ये पूरा जो कवर हो रहा है ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट मिलेगा आपको ईस्ट में, और ये जो है वो आपका ब्रेक लाइन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि वेस्टर्न घाट नियर अबाउट कंटिन्यूअस ही होते हैं। नीलगिरी, जहाँ पे ये ईस्टर्न घाट खत्म होते हैं नीचे के जो पार्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीलगिरीस। माउंट गॉडविन अस्टिन, जिसको हम कंचनजंगा 2 भी कहते हैं, तो ये आपको मिलेगा ऊपर टॉप पे, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने ट्रायंगल, और यहाँ आपका आता है माउंट गॉडविन आस्टिन। फिर आता है माउंटेन कंचनजंगा, तो ये आ गया आपका हिमालय से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मिल जाएगा माउंटेन कंचनजंगा। डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू को हमने जो भी प्लेटूज है वो सब येलो कलर में दिखाया है, तो डेक्कन प्लेटो के पीछे देखेंगे तो 3 रिवर आ रही है, एक, दो, और एक ये तीसरी। तो 3 रिवर्स के बीच में आपका ये मिलेगा डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू आपका आ गया, यहाँ पे भी 2 रिवर है और यहाँ पे भी 2 रिवर है, उनके बीच का जो पार्ट है वो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। नेक्स्ट आते हैं प्लेन्स में। तो प्लेन्स में आपके दो टाइप के कोर्स में है, गंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन। तो गंगेटिक प्लेन जो है वो आपका ग्रीन पार्ट जितना भी यहाँ पे शो हो रहा है मैप में वो गंगेटिक प्लेन है, और जो कोस्टल प्लेन है वो अदर पार्ट में शो हो रहा है आधा कलर में। कोस्टल प्लेन के जो है तीन तीन चार टॉपिक कोर्स में, जैसे कोंकण, तो आपको यहाँ पे शो करना है कि कोंकण कहाँ पे है,
तो देखिए ये मुंबई, यहाँ पे देखेंगे एक स्पॉट सा आ रहा है, तो ये मुंबई के जो पास का हिस्सा है ये इधर की तरफ जाएंगे तो कौनकन हो गया, उसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे ये दो रिवर्स लगभग एंड हो रही है, तो ये आपका आ गया मालवार, और कोरोमंडल आ गया आपका अपोजिट साइड में इधर से नॉर्थ, सरकार्स हो गया आपका ये इधर ईस्ट पार्ट में। अगला टॉपिक है आपका डेजर्ट, तो डेजर्ट में एक ही कोर्स में है, वो है थार द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके दे रखा है, तो ये आप हिसाब से शेड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा थार द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब नेक्स्ट आती है आपके रिवर्स, तो रिवर्स जो है ये पूरा मैप में रिवर ही दिखा रखी है, इसको आपको बताना है कि कौन कौन से रिवर है, तो ये आपके 2023 के अकॉर्डिंग जो रिवर्स है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रिवर है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एक एक करके अब इसको देखते हैं। फर्स्टली हमारे पास है इंडस, तो देखिए इंडस कहाँ पे आती है, ये टॉप की जो पहली लाइन है मैप की जहाँ पे येलो मार्कर मेरा चल रहा है ये आपका होता है इंडस। सेकंड झेलम, उसी के नीचे ये मजेंटा कलर में आ जाती है आपकी झेलम, सतलज, झेलम के नीचे दो रिवर है, इन दो जो येलो मार्कर से शो हो रही है इन दो को छोड़ दिए, उसके नीचे वाली जो रिवर आती है ये हो गई आपकी सतलज गंगा। सतलज के नीचे एक गियर ओवर है यमुना, और इसके नीचे ये आ गई आपकी गंगा, और गंगा के आगे वाली रिवर का नाम क्या हो गई, ये यमुना। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया आपका यमुना, कोसी, कोसी रिवर क्या आ गई आपकी, जब हम इधर राइट साइड में चलेंगे तो ये आपको देखिए यहाँ पे कोसी दिख रही है, ये कोसी हो गई आपकी, और इसी के यमुना में फिर नीचे यमुना से अटैच जो जुड़ी हुई है वो यहाँ पे क्या आ गई चंबल, चंबल के नीचे वाली जो रिवर है यहाँ पे ये चंबल हो गई है, और चंबल के रिवर के नीचे क्या हो गई बेटवा, दामोदर। यहाँ पे देखेंगे दो रिवर दिख रही है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली रिवर है ये आपकी क्या हो गई दामोदर हो गई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए मेरी कहाँ लाइन चल रही है, ये सारी लाइन जितनी भी है वो ब्रह्मपुत्र रिवर को शो कर रही है। नर्मदा, देखिए चंबल और बेटवा जहाँ पे एंड हो रही है उसी के नीचे ये वाली लाइन क्या कहला रही है आपकी नर्मदा हो गई। ताप्ती, नर्मदा के जस्ट ठीक नीचे आपकी हो गई ताप्ती, महानदी, महानदी हो गई यहाँ पे ताप्ती के आगे वाला पार्ट, गोदावरी, ताप्ती के नीचे वाली पार्ट कौन सी हो गई गोदावरी, कृष्णा, और गोदावरी के नीचे वाली पार्ट रिवर कौन सी होगी आपकी कृष्णा, कावेरी, कावेरी हो गई आपकी नीचे वाली जिसमें मैं येलो मार्कर चला रहा हूँ, तुंगभद्रा, तो ये ऊपर वाली जो हो गई वो तुंगभद्रा हो। तो ये 17 रिवर्स जो है वो आपके कोर्स में है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं, और वन बाई वन करके भी आप इसको वीडियो को चला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप वाटर बॉडीज पे, वाटर बॉडीज में आपके जो कोर्स में है वो पहला है गल्फ ऑफ कच्छ, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने साथ के साथ यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है जो जो टॉपिक मैप ऑफ इंडिया के आने वाले हैं, तो इसमें आपका पहला है गल्फ ऑफ कच्छ, तो देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ आपका किधर आ गया, ये वेस्ट में पड़ेगा आपका, एक गल्फ ऑफ कच्छ में मार्कर चला के दिखा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट आता है
गल्फ ऑफ खम्बत, उसी के नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका शो होगा गल्फ ऑफ खम्बत, अंडमान सी। तो ये आपका पार्ट हो गया इधर का अंडमान सी। छिलका लेक, देखिए ये छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा, तो ये छोटा सा स्पॉट जो है वो आपका क्या है, छिलका लेक है। बूला लेक ये आपके टॉप पे आ जाता है, तो यहाँ पे ये मैंने मार्कर जो चला रहा हूँ बता देता हूँ आपको, ये बूला लेक पे जो मार्कर चल रहा है ये बूला लेक हो गई। पासिस पे आ जाते हैं, तो दो पासिस है, काराकोरम नथुला पासिस। कोराकोरम क्या है पहले, तो ये ऊपर बिल्कुल टॉप बाउंड्री पे जो यहाँ पे लाइन चल रही है ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, पासिस। कौन सा पासिस है ये, काराकोरम पास। सेकंड है नथुला पासिस, तो यहाँ पे हम इसके पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे अगर आ जाए तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे दिखाएगा नथुला पास। नेक्स्ट टॉपिक है लेटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड, टॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से बिल्कुल जस्ट लगभग आप पार्ट से पास होके जा रही है, ये आपकी होगी टॉपिक कैंसर। सेकंड दिखाना है आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, नीचे का ऊपर का देखिए रिवर्स यहाँ पे एंड हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम उसको दिखाएंगे, तो ये आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन को शो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ विंड, तो डायरेक्शन ऑफ विंड में पहला है साउथ वेस्ट मानसून, तो जितने भी ये एरो दिखाए हैं तो देखिए एरो कहाँ से चल रहे हैं, अरेबियन सी से चल के ऊपर बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एरो आपको शो कर रहा है साउथ वेस्टर्न मानसून को। नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये ऊपर से हम पहले पिछले वाले मैप में नीचे से ऊपर था एरो, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी एरो दिखा रखे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में है ऑयल, मुंबई हाई, ऑफशोर ओवर हेड। तो देखिए यहाँ पे मुंबई आपको जानते हैं ये मुंबई है, इससे थोड़ा आगे अंदर समुद्र में आते हैं तो ये ऑफशोर ऑयल फील्ड है। सेकंड है आयरन सिंह भूम, यहाँ पे दो रिवर है और इधर दो रिवर है, इसके बीच का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे सिंह भूम है जो आयरन के लिए है। कोल कहाँ मिलता है, झरिया में मिलता है, तो झरिया कहाँ पड़ता है ये आपका झरिया के दिखा रखे जगह जगह पे ये निशान लगे हुए जो है वो झरिया होता है। तो यहाँ पे जिससे भी हमने शो किया है, जैसे मुंबई हाई को हमने येलो सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कलर लेना है या यही डिज़ाइन लेना है, कोई भी सिंबल लेके उसको दिखा सकते हैं। सिंह भूम के लिए दो रिंग दिखाए हैं, जरिया के लिए इस तरह से हमने कोल्ड को दिखाया है। अब आता है नेक्स्ट सॉयल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सॉयल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना है एलुवियल, एलुवियल ब्लैक और रेड। तो देखिए यहाँ पे तीन कलर है, पहला जो है ब्लैक है वो आपका शो करता है, ब्लैक जो ग्रे के रूप में है वो आपका एलुवियल है, तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, एलुवियल सॉयल हो गया। सेकंड रेड सॉयल को मैंने रेड कलर से ही दिखा रखा है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये रेड है, जहाँ जहाँ पे रेड दिख रहा है वो आपका रेड सॉयल है, और बचा हुआ जो कलर है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एलुवियल सॉयल। अब यहाँ पे आपको बताने हैं सिटीज़, तो देखिए सिटीज़ में कौन कौन से कोर्स में यहाँ पे सामने है ही, पहला चलते हैं हम सिटीज़ दिल्ली, तो दिल्ली नियर अबाउट कहाँ पड़ता है आपको जानते ही हो, यहाँ पे देखिए ये यमुना है और आप यमुना के बराबर में क्या बसा हुआ है, दिल्ली, तो दिल्ली आपको यहाँ पे इस जगह पे आ गया।
ये दिल्ली पार्ट हो गया आपका। सेकंड दिखाना है आपको मुंबई, तो मुंबई ये बहुत आसान है। यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा कोना मुड़ा हुआ होता है जो स्पॉट्स के रूप में नज़र आ रहा है, तो ये मुंबई हो गया आपका। कोलकाता, कोलकाता आपका कहाँ पे पड़ता है, इस जगह पे, ये क्या हो गया कोलकाता। चेन्नई, चेन्नई आप नीचे आ जाते हैं तो ये आपका हो गया चेन्नई। हैदराबाद, हैदराबाद दो रिवर के बीच में आ रहा है ये, तो ये हैदराबाद के लिए हो गया। बंगलुरु, ये मुंबई और चेन्नई के बीच का पार्ट हो गया लगभग। कोची, नीचे का राइट लेफ्ट पार्ट में आ गया नीचे से। प्रयागराज और इलाहाबाद, तो ये तो हम जानते हैं संगम होता है। देखिए यहाँ पे ये गंगा और ये यमुना का संगम यहाँ पे हो रहा है, यही पार्ट क्या आपका प्रयागराज जो आज का नाम है और इलाहाबाद जो पुराना नाम था, तो ये दोनों एक ही चीज के नाम है, तो ये यहाँ पे गंगा और यमुना के संगम पर मिलता है। अब आते हैं पॉपुलेशन पे, तो देखिए दो प्रकार की पॉपुलेशन होती है, एक होती है डेंस एक स्पर्स। डेंस का मतलब काफी, स्पर्स का मतलब कम। तो डेंस पॉपुलेशन आपको दिखानी है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में डेंस पॉपुलेशन मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश। तो ये हिस्सा उत्तर प्रदेश के लिए लगभग रिप्रेजेंट किया है मैप में, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने दिखाया थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब डेंस पॉपुलेशन अगर साउथ में पता नहीं है, तो साउथ आपका हो गया नीचे की तरफ, तो नीचे में साउथ कहाँ पड़ती है, केरला में, तो ये नीचे का पार्ट हमने शो किया केरला को। तो अब स्पर्स पॉपुलेशन दिखा रही है, सबसे कम पॉपुलेशन नॉर्थ में कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि यहाँ पे स्टेट से दिखाया गया है। और इस पर पॉपुलेशन वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट में सबसे कम कहाँ मिलती है, थार। पॉपुलेशन कम मिलने का मतलब वहाँ के अनुकूलन जो होता है एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलती है। इस पर पॉपुलेशन इन साउथ की बात करें, तो साउथ में मिलेगा अंडमान निकोबार में, तो ये पार्ट नीचे का जो है वो अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन अगर नॉर्थ की बात करें, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, साउथ में हो गया केरला, इस पॉपुलेशन नॉर्थ में हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में हो गई आपकी थार, और साउथ में हो गया आपका अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे ये सारे मैंने जितने भी 2023 में आने वाले जितना भी सिलेबस है मैप ऑफ इंडिया से, वो मैंने आपको करा दिया है, और आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और ये फिलहाल आपके लिए जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये है ICSE का 2023 का एग्ज़ाम का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये यहाँ पे मैंने वो 10 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके मैप से आए हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी ये नाम है सबको आपका इसमें आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन फिलअप करके एक बार अच्छे से इसको यहाँ से वीडियो देख के जब आप फिलअप करेंगे, तो ये सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और आप ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपके इस वीडियो से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो आगे के लिए एग्ज़ाम्स के लिए आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगा, मैं आपको भेजते जाऊँगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएंगे। तो चलिए अभी तक के लिए ये, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।